हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडुसाई टीच क्लासेस। सो इन टुडेज क्लास आई हैव समथिंग न्यू एंड डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज ऑन वेरियस मिसलेनियस टॉपिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर, स्पेशली दोज दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर एनी वन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक TGT, PGT, इंग्लिश, एनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम and net, okay, UGC net and other exams also. So this series will be helpful for everyone, okay, who is preparing for exams that have English literature as a part of syllabus. Agar aapke syllabus mein English literature hai to ye series aapke liye important hogi and helpful hogi. So we are going to begin this series with topic poet laureate. Okay, plus I am also planning to launch a separate series. Okay, separate series on PYQs. Okay, previous year questions, where we will go over each question with detailed explanation and look at the kinds of question that can be asked from those text. So we will हम हर question को, okay, PYQ का जो question होगा उसको हम discuss करेंगे detail में, और सिर्फ उस question को tick नहीं करेंगे कि इसका answer ये होगा, बल्कि हम उस questions के around जितने भी PYQ हैं या फिर आगे बन सकते हैं उन सबको एनालिटिकली अप्रोच करेंगे, या फिर जो PYQs होंगे उसको अच्छे से देखेंगे कि इसके अराउंड कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और आगे कैसे आ सकते हैं इन फ्यूचर। डन, तो हमारा अगर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मीन्स अगर वो रेप ऑफ लॉक से है, तो रेप ऑफ लॉक के अराउंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से, हम वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक कंपोजिशन डिटेल्स, राइटर्स, ओके, डिटेल जो भी होंगी इसके अंदर से जो PYQ बने हैं, लाइक कितनी बार इसके एडिशन आए थे, किस ईयर में आए थे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं जिन पर PYQ है, और इसके अराउंड कौन से क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं। ओके, लाइक इसके लैब डॉग का क्या नाम था, कितने उसके अंदर फेरीज, डीमंस, कहाँ की जर्नी थी, ओके, किस बेस पर या फिर किससे इन्फ्लुएंस होकर वर्क लिखा गया था, किस एरा में लिखा था। तो मींस आप एक क्वेश्चन कवर कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आपका वो पूरा टेक्स्ट कंप्लीट होता हुआ चल रहा होगा। वी विल ट्राई, और जब वो रिपीटेडली हम करेंगे क्वेश्चंस को, तो वही चीजें हमारे दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। ओके, इजीली हम याद भी कर पाएंगे, हमें कोई रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा इन चीजों का। ओके, एक ही क्वेश्चन को बार बार, क्योंकि PYQs मोस्टली रिपीट हो जाते हैं, एक पैटर्न होता है सेट पैटर्न की, इसमें से इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर फेरी क्वीन से कोई क्वेश्चन है, तो किस एरा में लिखा गया है, किस राइटर ने लिखा है, उसके कैरेक्टर्स कौन से हैं, कितनी बुक्स लिखी गई है, किस थीम पर लिखी हुई है। ओके, तो हम ये सब देखते हुए चलेंगे, होपफुली PYQ सीरीज हम कुछ ही दिन में लॉन्च कर देंगे। ओके, so let's come to today's session, that is poet laureate topic. Okay, आज हम poet laureate करेंगे। इससे पहले मैं आपको miscellaneous topic के कुछ examples दिखा बता देती हूँ। I will also upload the list of miscellaneous topic on channel, okay, community section, वहाँ पे मैं सारे आपको list upload करा दूँगी कि हम किन topics को cover करने वाले हैं और किस state को। okay, जैसे इसमें कौन से topics होंगे, poet laureate कौन से हैं, या फिर जैसे लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बुकर प्राइज विनर्स, बुकर प्राइज के जो विनर्स हैं अब तक के जो भी इम्पोर्टेंट है वे भी कवर करेंगे, उसको हम हाईलाइट कर देंगे। ऑल्दो वी विल गो थ्रू ऑल द बुकर प्राइज विनर्स, ओके, हम सारे ही प्राइज विनर्स को देखेंगे, बुकर प्राइज विनर्स को, और जो इम्पोर्टेंट है उसको अलग से हाईलाइट कर देंगे कि हमें जब रिवाइज करना, ओके, जब हम रिवाइज कर रहे होंगे एग्जाम टाइम पर, उन्हीं इम्पोर्टेंट को हम रिवाइज करेंगे। इसके अलावा नोबेल प्राइज विनर्स को हम जो लिटरेचर में है उनको इसमें इस सीरीज में कवर अप करेंगे, पुलित्जर प्राइज को, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, पार्टीशन नॉवल्स, डिस्टोपियन नॉवल्स, ओके, और लिटरेरी टर्म्स दैट आर इम्पोर्टेंट। ओके, तो हम ये सारी चीजें मिसलेनियस टॉपिक्स में कवर करेंगे। ओके, सो अब आते हैं हम पोएट लॉरेट पे, जो हमारा आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस मिसलेनियस सीरीज, मिसलेनियस टॉपिक सीरीज। ओके, इट इज नॉट एम्बिगस, सो लेट्स बिगिन दिस। ओके, पोएट लॉरेट की लिस्ट हम देखने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेंगे। ओके, इससे आपको इतने सारे जो प्राइज विनर्स हैं इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, या फिर जो लिस्ट होती है अलग अलग उससे, इसमें भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट पोएट लॉरेट पे क्वेश्चन आ जाता है कौन कब था, इस पर क्वेश्चन आता है फर्स्ट पोएट लॉरेट कौन था। ओके, इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये होता है कि वे पूछ लेते हैं ऑफिशियल कौन था, अनऑफिशियल कौन था, बच्चे कंफ्यूज करके लिस्ट देखेंगे और विकीपीडिया से या फिर कहीं और से, मैंने भी रिसोर्सेज का यूज किया है, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि PYQs कैसे होते हैं, आगे कैसे बनने के चांसेस हैं क्वेश्चंस। ओके, तो बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका। जो पोएट लॉरेट होते हैं ब्रिटिश में,
ब्रिटिश पोएट लॉरेट इज एन ऑनररी पोजिशन, और जिसको अपॉइंट कौन करता है? मोनार्क करते हैं, कहाँ के? यस, यूके के, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. एडवाइस कौन देता है इस चीज के लिए? प्राइम मिनिस्टर. ओके, यहाँ पे कोई जो ड्यूटीज होती है कोई स्पेसिफिक नहीं होती कि उनको इस ड्यूटी के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, बट एक ऐसा होता है कि एक पोजीशन दी जाती है जिसको वो होल्ड करते हैं वहां पे. इस पोजीशन पे जो लोग रहते हैं उस रॉयल, ओके, जो रॉयल फैमिली होती है उनके लिए भी लिखते हैं. ओके, इस जो वर्सेज लिखते हैं जो भी वर्क होंगे वो उस रॉयल फैमिली के लिए होंगे या फिर उस कंट्री ब्रिटेन के लिए होंगे. उस जो नेशनल ओकेजन होते हैं मोस्टली उस पर, या फिर कोई इसके अलावा इंपॉर्टेंट ओकेजन है वहां पे उस पर लिखे जाते हैं वर्क्स इनके. लॉरेटशिप जो है कब से शुरू थी? 1616. ओके, तो यहाँ पे क्या होती थी कि पेंशन प्रोवाइड की जाती थी. जो भी पोएट लॉरेट होगा उसको वाली पोजिशन मिल जाएगी, उस पर उसको पेंशन मिलेगी. जो फर्स्ट पोएट लॉरेट थे कौन थे? बेन जॉनसन. फर्स्ट पोएट लॉरेट, ओके, बट द फर्स्ट ऑफिशियल लॉरेट वॉज. अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या हो जाता है कि हमने बेन जॉनसन पढ़ा है, लेकिन जब हम लिस्ट देखेंगे उसमें सबसे पहले कौन होगा? जॉन ड्राइडन. तो इस चीज को आप याद रखना है, बेन जॉनसन ऑफिशियल नहीं थे. ऑफिशियल कौन थे? ये 1668 में जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन वॉज फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन. ठीक है, ये फर्स्ट ऑफिशियल थे. अब क्वेश्चन जब आएगा आप उसको रीड करिएगा कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं आपसे. इफ द क्वेश्चन आस्क द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट, तो आप इसको टिक करोगे, और सिंपली आस्क कि फर्स्ट लॉरेट कौन है, तो आप बता दोगे बेन जॉनसन था. जॉनसन फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट वॉज अपॉइंटेड बाय, किसने अपॉइंट किया था इसको? चार्ल्स सेकेंड. ओके, तो इस चीज को आपको याद रखना है. इसके अलावा एक और चीज होती है, हम जब इसकी थोड़ा आगे जाएंगे कि किसने किस तरीके के वर्क्स या फिर कितने टाइम तक सबसे ज्यादा कौन इस पोजीशन पे रहा था और कौन सबसे कम. ओके, एक और चीज थी इंपॉर्टेंट कि जब लॉर्ड टेनिसन अल्फ्रेड, अगर आपने नाम सुना हो, सुना होना चाहिए आपको इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स. ओके, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये भी पोएट लॉरेट थे. ओके, तो जब ये इनकी डेथ हो गई थी तो देर वॉज अ ब्रेक फॉर 4 ईयर्स. तो 4 साल तक उनकी डेथ के बाद भी किसी को भी पोएट लॉरेट की पोजीशन नहीं दी गई थी, वो भी किस लिए? मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. 4 साल तक किसी को भी इस पोजीशन पे नहीं रखा गया था, ना ही उस पोजीशन पे किसी को बिठाया था कि वो क्या शो करना चाहते थे कि रिस्पेक्ट, ऐसा रिस्पेक्ट कि इनकी डेथ के बाद 4 साल तक वो पोस्ट खाली रही. ओके, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट था वो. ओके, पहले क्या होता था कि वो जब उसकी डेथ हो रही है तब उसके बाद नेक्स्ट पोएट लॉरेट को देखा जा रहा है, लेकिन अब फिक्स्ड टाइम हो चुका है कि ठीक है इतने साल बाद 10 ईयर. ओके, अब क्या हो चुका है टर्म इनका 10 ईयर्स, पर पहले कोई फिक्स्ड नहीं था. ठीक है, अनफिक्स्ड टर्म था. इससे पहले कैसा था? अनफिक्स्ड टर्म मोस्टली, या तो आपका जो रूलर है उसके प्लेजर पर आप यहाँ पर हो, या फिर जब आपकी डेथ हो जाती है तब तक. ओके, अब कितना वो है टर्म? 10 ईयर्स इन ऑफिस. सो लेट्स सी द लिस्ट ऑफ. ओके, बैकग्राउंड आपको फिर समझ आ गया होगा कि ये ब्रिटेन यूके में मोनार्क अपॉइंट करते हैं किसके एडवाइस पर? पीएम की. ये रॉयल हाउस के लिए लिखते हैं मोस्टली, स्पेशल ओकेजन होते हैं. स्पेशल ओकेजन ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम नेशनल नेशनल जो चीजें होती है उस पर लिखोगे ओकेजन पे, बल्कि ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कोरोनेशन हो रहा है उस पर लिख रहे हो आप, या किसी की डेथ हो गई आप उसके लिए लिख रहे हो, या फिर किसी का बर्थडे है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. फर्स्ट जो थे वो बेन जॉनसन थे, बट नॉट ऑफिशियल. 1668 में जॉन ड्राइडन आए थे. किसने अपॉइंट किया था? चार्ल्स सेकंड ने किया था. ये फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट हमारे पास. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की डेथ में 4 साल तक कोई भी इस पोजीशन पे नहीं था एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. ये आपको याद होना चाहिए. अब देखते हैं हम पोएट लॉरेट की लिस्ट. ओके, सो फर्स्ट इज जॉन ड्राइडन. इनका डेट्स क्या थी? ड्यूरेशन 1668 से 1688. ओके, चार्ल्स सेकंड ने इनको अपॉइंट किया था कितने साल तक? 20 इयर्स. आप यहाँ पे देखोगे कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं है. नेक्स्ट वाज थॉमस शेडविल, विलियम थर्ड एंड मैरी के आने पर. यहाँ पे इनकी डेथ नहीं हुई थी, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वो डेथ पर नहीं हुई थी, बल्कि चार्ल्स सेकंड के टाइम पे ये थे, पर ये इनके फेवर में नहीं थे. विलियम थर्ड एंड मैरी सेकंड, तो इस वजह से इन्होंने इसको इस पोजिशन पे हटाया और शेडविल को दे दी थी वो पोजिशन. नेक्स्ट इज नेहम टेट, जो थे 1692 से 1715. उस टाइम पे कौन थे रूलर? यस, विलियम थर्ड एंड मैरी सेकंड, 23 इयर्स के लिए. निकोलस रो 1715 से 1718, जॉर्ज फर्स्ट के टाइम पर 3 इयर्स. नेक्स्ट इज लॉरेंस
यूज्ड इन 1718 से 1730 जॉर्ज फर्स्ट के टाइम पे फॉर 12 इयर्स। यहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, जॉन ड्राइडन, थॉमस शेडविल। ओके, नेक्स्ट इज कॉले गिबर 1730 टू 1757 किसके टाइम पर, जॉर्ज सेकंड के टाइम पर। ओके, फॉर 27 इयर्स। आफ्टर हिम विलियम व्हाइटहेड जो 1757 पे इस पोजीशन पर पोस्ट पर आए थे और 1785 तक रहे, जॉर्ज सेकंड के टाइम पर ही 27 इयर्स के लिए। नेक्स्ट इज थॉमस वार्टन 1785 से 1790, जॉर्ज थर्ड थे यहाँ पर फॉर 5 इयर्स। हेनरी जेम्स पाए जॉर्ज थर्ड के टाइम पर थे 23 इयर्स के लिए। रॉबर्ट साउथ है इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन करके रखोगे। रॉबर्ट साउथ है 1813 से 1843 तक थे। ओके, जॉर्ज थर्ड के टाइम पे फॉर 30 इयर्स। इनका जो ये ईयर है, ड्यूरेशन या टर्म, ये इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू में। साउथ से पहले कौन था और बाद में कौन था, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कब थे, 1843 से 1850 तक, और ये फर्स्ट थे जिन्होंने अपने पूरे टाइम पीरियड में कोई भी वर्क नहीं लिखा था। ओके, सिर्फ ये इस पोस्ट पर थे कि तुम इस पोस्ट पर आ जाओ, आप चाहे किसी भी कोई भी वर्क ना लिखो। इवन इन्होंने मना किया था, परिस्टर ये इस पोस्ट पर थे, पर इन्होंने कोई भी ऐसा वर्क प्रोड्यूस नहीं किया था उस टाइम पर, पूरे ड्यूरेशन में। ओके, विक्टोरिया के टाइम पर फॉर 7 इयर्स। तो आपको ये याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि रॉबर्ट साउथ है कि 1843 में कौन अपॉइंट हुआ था पोएट लॉरेटशिप पर। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ आ जाएंगे, वर्ड्सवर्थ से पहले कौन था ये भी याद रखना है, और ये भी इससे पहले हमने जो सिंपल रीड किए वो इतना ज्यादा नहीं कि आपको लर्न करना पड़े। अल्फ्रेड, इसकी डेथ 1850 में इनकी डेथ हुई थी, वर्ड्सवर्थ की आपको पता होना चाहिए। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 से 1892 तक रहे थे फॉर 42 इयर्स। ओके, देख रहे हो आप कितना टाइम था इनका। उसके बाद अल्फ्रेड ऑस्टिन 1896 से 1913, तो इसमें गैप दिख रहा होगा आपको 4 इयर्स का। कोई विक्टोरिया के टाइम पर क्वीन विक्टोरिया 17 इयर्स के लिए थे यहाँ पर। उसके बाद रॉबर्ट ब्रिजेस, अगेन इंपॉर्टेंट, 1913 से 1930 जॉर्ज फिफ्थ के टाइम पर फॉर 17 इयर्स। जॉन मेसफील्ड 1932 1967 फॉर 37 इयर्स। इनके वर्क्स भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। You can tell me the works. Even you can write the works of these poet laureates in comment. Okay, so Elizabeth II ke time par the 1968 se 1972 for 4 years. Then John Betjeman 1972-1984. Elizabeth II ke time par for 12 years. Then Ted Hughes aa jata hai 1984 mein se leke 1998 tak for 14 years. Then is Andrew Motion 1999 से 2009, ओके, एलिजाबेथ सेकंड के टाइम फॉर 10 इयर्स। देन कैरल एंड डफी 2009 से 2019, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 इयर्स फिक्स्ड हो चुका है। ओके, ओके, तो एलिजाबेथ सेकंड के टाइम पर था फॉर 10 इयर्स। अब जो प्रेजेंट में वे हैं हमारे पास, साइमन आर्मिटेज फॉर 2000 फ्रॉम 2019 से लेके प्रेजेंट तक, एलिजाबेथ सेकंड हमारे यहाँ पे फॉर 5 इयर्स। ओके, 4-5 इयर्स। तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, इसको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यू कैन इजीली लर्न दिस नेम्स, जस्ट टेक दिस लिस्ट फ्रॉम विकिपीडिया, यू कैन यूज। ओके, डाउनलोड दिस लिस्ट एंड डेली आप रिवाइज करो ऐसे नेम स्पीड में, सिर्फ इसको बैठ के डेली डेली ऐसे याद नहीं करना, स्पीड में ऐसे याद करते चलो, याद नहीं करना, नेम को बोलते चलो। जॉन ड्राइडन, अगेन शेडवेल, नहम टेट, निकोलस रो, लॉरेंस यूज़डन, कॉलिस इबर, विलियम व्हाइटहेड, थॉमस वार्टन, हेनरी जेम्स पाए, रॉबर्ट साउथे, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड ऑस्टिन, रॉबर्ट ब्रिजेस, मेसफील्ड, सेसिल डी लेविस, जॉन बेट्समैन, टेड ह्यूक्स, एंड्री मोशन, कैरल एंड डफी एंड साइमन आर्मिटेज। यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने ऐसे नोबल जो प्राइज विनर्स हैं लिटरेचर के फ्रॉम 1901 से 2025 तक सब मुझे याद है। और द रीजन इज दैट कि मैं बस यही था कि आप डेली डेली आप उसको पढ़ रहे हो। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ वही इंपॉर्टेंट याद करना है। मैंने बोला जिसको इंपॉर्टेंट लिखा है उसको अच्छे से याद करो, लेकिन इसके अलावा हमें नहीं पता, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये चीज आ जाएगी, मे बी अलग आ जाए, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो। जो अगर आपको कोई कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है रीड करो, ओके, लेकिन उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम उसी सोर्स को लेकर बैठ जाओ कि मुझे बस यही पढ़ना है, इसी से मैं पास हो जाना। ओके, वो चीज़ कुछ चीज़ों पर एम्फसाइज ज़्यादा होना चाहिए आपका कि उसको आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो।
ओके प्रायोरिटी सेट, तो आप उसको अच्छे से करो, लेकिन उसके साइड में जितना भी कंटेंट आपके पास है जो आपको लगता है एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं उसके आने के, तो एक बार गो थ्रू हो जाओ उस चीज़ों से. ओके, तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक जो था मिसलेनियस टॉपिक सीरीज में, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टूडे सेशन. आई होप दिस इंट्रोडक्शन टू पोएट लॉरेट एंड जो भी हमने डिस्कस किया इसके लिए एंड हेल्पफुल टू यू. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवर नेक्स्ट टॉपिक अगेन विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव. मेक श्योर टू जॉइन मी फॉर दैट. डोंट फॉरगेट टू शेयर एनी क्वेश्चन और टॉपिक यू वुड लाइक मी टू कवर. इफ यू वॉन्ट मी टू कवर एनी टेक्स्ट, एनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक. ओके, तो आई यू कैन राइट ऑन कम्युनिटी सेक्शन और कॉमेंट्स. ओके, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन ऑल दिस. ओके, सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. And don't forget to subscribe our channel.